स्टूडेंट्स, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3। मैं आपको बता दूं कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था बेटा। कल की क्लास में हमने जो चीजें डिस्कस की थी, मैं पहले वो आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। कल की क्लास में पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3 एलिमेंट्स, जिस तरह के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके रिएक्शन मैंने किससे करवाए थे? ऑक्सीजन के साथ। सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से जब करवाया था, विगरस रिएक्शन था, ब्राइट येलो फ्लेम और वाइट सॉलिड बना था, Na2O। फिर मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से करवाया, तो वाइट सॉलिड, ब्राइट वाइट फ्लेम। फिर एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया था, तो यहाँ पर ही बेटा आपका ब्राइट वाइट फ्लेम और वाइट सॉलिड बना था। सिलिकॉन स्लो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, वाइट सॉलिड बना था, SiO2। फॉस्फोरस येलो या व्हाइट फ्लेम देता है और इसमें फास्फोरस ऑक्साइड के क्लाउड्स बनते हैं, और सल्फर ब्लू फ्लेम देता है। ये कर लिया था ना बेटा। फिर हमने ये किया था, फिर हमने बेटा ये किया था कि जो सोडियम है ना, इसका रिएक्शन वाटर से देखा था और इसकी ऑब्जर्वेशन देखी थी कि सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन की। उसमें बताया था कि विगरस रिएक्शन है, सोडियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर जो सोडियम है वो एक स्फेरिकल बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और फिजिंग होती है और फास्ट रिएक्शन है। उसके बाद बेटा हमने जो इसके ऑक्साइड्स बनाए थे ना, यहां से हमने स्टार्ट करना है। ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, और इसमें ऑक्साइड्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, SO2 या SO3। और हमने कहा था क्लोरीन और आर्गन रिएक्शन नहीं करते विद ऑक्सीजन, है ना बेटा। अब हम यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं कि कल की क्लास में थोड़ा सा हमने देख लिया था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, जिस तरह के Na2O और MgO, इनके बारे में हमने ये कहा था कि ये बेसिक ऑक्साइड हैं, इनकी नेचर बेसिक है। अभी दोबारा भी रीजन बता देता हूँ कि आप जब इन ऑक्साइड्स को वाटर में डालते हैं तो ये अल्कली बनाते हैं, NaOH एंड MgOH होल ट्वाइस। फिर बेटा मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में आपको बताना है, और ये ओ लेवल्स में भी आप पढ़ कर आए कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, इसकी नेचर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक, अभी रिएक्शंस करेंगे बेटा, हर एक के डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद बेटा अगर आप यहां से आ जाएं, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इनको आप कहते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये आपके एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक है। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो स्टार्ट करते हैं जी शुरू से कि सोडियम ऑक्साइड और MgO, Na2O को आप जब वाटर में डालेंगे तो क्या ये डिजॉल्व हो जाएगा? बेटा आपको पहले एक निशानी बताई थी कि जिन कंपाउंड्स में ग्रुप 1 का मेटल होता है ना, ग्रुप 1, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर में डिजॉल्व भी होंगे और रिएक्शन भी करेंगे। भाई सिर्फ डिजॉल्व नहीं होंगे, रिएक्शन भी करेंगे। देखें, एक तो होता है डिजॉल्व होना ना, डिजॉल्व होने में ये होता है कि कोई नई चीज नहीं बनती, सिर्फ जो आपका आयोनिक कंपाउंड है ना वो डिसोसिएट होता है इनटू आयंस, मतलब ऐसे। ये ऐसे नहीं हो रहा भाई, ये डिजॉल्व होने के बाद रिएक्शन भी कर रहे हैं और नई चीज बन रही है। क्या बन रहा है इधर देखें, ये जो Na2O है, ये जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ NaOH बनेगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। बताएं जी ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसकी इसकी pH 14 क्यों है भाई? क्यों ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है? क्या रीजन कल बताई थी? हो जाता है कंप्लीट।
यस, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होता है, और कंप्लीटली डिजोल्व होगा तो OH आयन, जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे सारा डिजोल्व हो जाएगा, और OH आयन बहुत ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, ज्यादा OH आयन का मतलब है बेसिक सॉल्यूशन। इसके मुकाबले में और आपको रीजन समझ आ रही है ना क्यों बेसिक है, क्योंकि वाटर में डाल रहे हैं तो ये आपको अल्कली बनाकर दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, इसको वाटर में डिजोल्व करें, तो याद रखिए बेटा कि जो ग्रुप टू के ऑक्साइड्स होते हैं ये भी वाटर में तो डिजोल्व होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा डिजोल्व नहीं होते जितने ग्रुप वन होते हैं ना। ग्रुप वन वाले तो कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं, ये पार्शली होते हैं, और इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये बातें आगे जाकर हम करेंगे जब आपको ग्रुप टू कराऊंगा, ठीक है। ग्रुप टू आपका एक अलहदा से टॉपिक है, उसमें आपको ना मैं इसकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस करूंगा आपसे। तो इसमें देखें, ये आपके पास बनेगा MgOH होल ट्वाइस, ये वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन, और pH यहां पर 10 आ रही है। इसकी रीजन बेटा ये है कि इस केस में ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, पार्शली डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो पार्शली डिसोसिएट होने की वजह से जो ये सॉल्यूशन होगा ये इतना स्ट्रांगली बेसिक नहीं होगा, वीकली बेसिक होगा। अब बेटा हम चलते हैं जी आगे इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड पर। ये जी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3। बेटा ओ लेवल्स में इसके बारे में कुछ पढ़ा था आपने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड? सर ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है। यस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होती हैं, अच्छा पहली बात, जिस तरह मैंने सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, तो वो वाटर में डिजोल्व हो गए, रिएक्शन दिखिए। क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होगा? नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व ही नहीं होता, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होता, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है भाई कि आप ये जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालें ना उस फॉइल को, तो वो वाटर में डिजोल्व तो नहीं होता। तो इसलिए अब इसको कैसे चेक करेंगे, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसको बेटा आप एसिड में डाल के भी चेक करें, और इसको आप बेस में भी डाल के भी चेक करेंगे। आप देखेंगे कि इट विल रिएक्ट विद एसिड, और ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ भी करेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जरा ये देखिए, एम्फोटेरिक वो होता है ना जो एसिडिक के साथ, मतलब वो होता है और बेसिक भी होता है डिपेंडेंट मैं वही ऑन। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि एम्फोटेरिक मीन दोज कंपाउंड्स विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेसिस। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी करते हैं। मतलब जब एसिड के साथ करेंगे तो वो खुद बेस बन जाएंगे, जब बेस के साथ करेंगे तो खुद एसिड बन जाएंगे। तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हेडिंग दें, यहां लिख लें, इट कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज अल्कली, एसिड से भी रिएक्शन करेगा और अल्कली से भी करेगा। अच्छा जी, इसमें ये है मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बड़ा ये सॉलिड है राइट, वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होता, तो इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा एसिड के साथ, दिस इज H2SO4। आप HCl के साथ भी बेटा करवा सकते हो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब भी आप रिएक्शन करते हो उसमें रूल ये होता है कि जो मेटल होता है ना, मेटल ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा भाई, AlSO4, ठीक है। एल्यूमिनियम ने एच को रिप्लेस किया ना, AlSO4, एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज होता है, सल्फेट पर 2-, तो क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस, क्रिस क्रॉस कर लिया, और साथ में बेटा क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O। बैलेंसिंग बेटा इसकी कर लेते हैं, सल्फेट कितनी दफा है, देखो इधर सल्फेट कितनी दफा है भाई, 3 दफा है, सल्फेट 3 दफा है ना, तो थ्री एच टू एस ओ फोर थ्री यस सर एच टू एस तीन ओ फोर दफा और वाटर भी 3 मोल बनेंगे। देखो ये H2SO4 एसिड है और ये Al2O3 उसके सामने बेस के तौर पर काम करेगा। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद नहीं है आप HCl के साथ करवा लो भाई, HCl के साथ भी हो जाएगा। देखो ये एल्यूमिनियम इस H को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा, AlCl3, ठीक है, AlCl3 बन गया। अब बेटा यहां पर देखो, और साथ में वाटर बनेगा ना, बैलेंसिंग अभी कर लेते,
एल्यूमिनियम दो दफा है, टू एल्यूमिनियम है ना इधर, ये तो यहाँ टू लगाओ, क्लोरीन कितना हो गया सिक्स, तो यहाँ सिक्स लगाओ तो ये 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये एसिड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके सामने बेस के तौर पर काम करेगा। ये तो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेसिक नेचर कि इट कैन रिएक्ट विद एसिड, लेकिन याद रखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन ऑल्सो रिएक्ट विद बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट विद अल्कली या बेस, बेस के साथ ही बेटा रिएक्शन करता है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा इसकी बहुत ज्यादा इक्वेशन है, मैं आपको ना दो इक्वेशंस करा देता हूँ, जो आपको आसान लगती है वो याद कर लीजिएगा, जो आपको आसान लगती है। ये सारी जो ऑप्शंस है ये आपके मार्क्स की में गिवन है, तो लिहाजा जो आपको आसान लगती है वो याद कर लें। Al2O3 और NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है जी। अब ये बेस है तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके सामने एसिड के तौर पर काम करेगा, Al2O3 + NaOH, तो ये क्या बनेगा NaAlO2 और साथ में वाटर। थोड़ा सा सॉल्ट मुश्किल है बेटा आपके लिए, नया सॉल्ट है, लेकिन याद करना है आपने कि इस सॉल्ट, वैसे जनरली सॉल्ट में ना एक पॉजिटिव पार्ट होता है एक नेगेटिव पार्ट होता है ना, जिस तरह NaCl देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ मसला ये है यहाँ पर दो पॉजिटिव है, Al3+ Na+ और ये Oxygen-2- और ये -4, तो बस इसलिए ये आपको थोड़ा सा यूनिक सॉल्ट लग रहा है कि इसमें दो केटाइन है, लेकिन आपको याद रखना है बेटा ये ठीक है कि NaAlO2 और साथ में वाटर बन रहा है। बैलेंसिंग अभी कर लेते हैं, देखो दो एल्यूमिनियम है ना इधर Al2, तो यहाँ टू लगाओ, Na दो हो गए यहाँ टू लगाओ, और आपके पास अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा एक तो ये है, ये इक्वेशन ज्यादा आसान है क्योंकि देखो इसमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है। एक और इक्वेशन भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, ये जो मैंने आपको बताई है ये मार्क्स स्कीम में है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, अगर आप वो याद करना चाहते हो वो याद कर लो, लेकिन वो मैं बच्चों को याद नहीं करवाता, उसकी रीजन ये है कि वो थोड़ी सी मुश्किल है। Al2O3, 2 मोल्स ऑफ NaOH, 3 मोल्स ऑफ वाटर, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ NaAlOH4। और उसमें दूसरी बात सिर्फ सॉल्ट बन रहा होता है, साथ वाटर नहीं बनता। आप लोगों को असल में आदत पड़ी है बचपन से कि आपने सॉल्ट और वाटर बनाना होता है, इसलिए देख लें अगर आपको ये भी आसान लगती है तो इसको भी नोट कर लें। ये देखो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका अल्कली, और ये आपका वाटर भी यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है, और ये सॉल्ट बन रहा है भाई NaAlOH4। आप देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस है, और ये सॉल्ट बना है इसमें सॉल्ट, ठीक है। तो मेरा ख्याल है पहली वाली इक्वेशन ज्यादा आसान है ना, इसको याद कर लीजिएगा, पहली वाली इक्वेशन बेटा याद कर लें ये वाली, लेकिन नोट दोनों कर लें क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वो एज अ एसिड के तौर पर, दोनों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड काम कर रहा है बड़ा। ये इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसकी रीजन ये कि ये एम्फोटेरिक है ना, तो आपसे पूछेगा जी बताएं कि व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या राइट द इक्वेशन फॉर दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड, तो आपको फिर ये दोनों इक्वेशंस लिखनी होंगी एसिड के साथ भी और अल्कली के साथ भी। अच्छा अब नेक्स्ट आए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बाद, अब बेटा ये जो बाकी आपके पास आ रहे हैं ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड एंड SO2, ये बड़े आसान है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, और इसमें आसानी ये है कि ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, जिस तरह देखो सोडियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन किया, इसी तरीके से ये वाटर से रिएक्शन करेंगे, SiO2 नहीं करेगा, SiO2 क्योंकि जाइंट कोवेलेंट है ना। ये बेटा मैं आपको करवा रहा हूं देखिएगा। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बारी है, मैं यहां हेडिंग दे रहा हूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इसमें आपके पास एक आ रहा है SiO2, एक आ रहा है P4O10 और एक आ रहा है SO2 और SO3। अब मुझे ये बताएं कि जो SiO2 है जी, क्या ये जॉइंट कोवेलेंट है या सिंपल है, ये बता दें बेटा, जॉइंट कोवेलेंट या सिंपल, मुझे जॉइंट कोवेलेंट जॉइंट ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसा कि सिलिका,
सिलिका होती है सैंड, ये जो रेत होती है बेटा, क्या ये वाटर में डिजोल्व होती है? नो नो, नहीं. जस्ट लाइक डायमंड, जिस तरह डायमंड है ना, जिस तरह डायमंड आपका जाइंट कोवलेंट है, इस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी जाइंट कोवलेंट है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा. तो याद रखो, ये जो ऑक्साइड्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन ऑक्साइड्स में से कौन से दो ऑक्साइड हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे बेटा, बता दो. कौन से दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे? सिलिकॉन सर डाइऑक्साइड MgO और SiO2. यस, Al2O3 एंड SiO2. तो SiO2 जो है ना, ये वाटर में डिजोल्व तो नहीं होता, लेकिन इसकी नेचर क्या है? एसिडिक. क्यों इसकी एसिडिक नेचर है? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ अटैच है. जब भी ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ अटैच होता है तो उसकी नेचर एसिडिक होती है. तो अब बेटा हम इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को वाटर में तो डिजोल्व नहीं कर सकते, मैं नीचे लिख देता हूं इसकी रीजन. रिएक्शन ऑफ SiO2 विद NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन वाटर के साथ नहीं कर सकता. ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. मतलब ये है कि वाटर कैन नॉट ब्रेक डाउन इट्स जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. वाटर बेटा इसका जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं कर सकता, इसलिए आप इसको वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे. इसलिए इसका रिएक्शन आप किससे करवाएंगे? इसका रिएक्शन आप करवाएंगे हॉट कंसेंट्रेटेड अल्केली के साथ. देयरफॉर वी रिएक्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद ये कंडीशन है हॉट कंसेंट्रेटेड अल्कली. हॉट कंसेंट्रेटेड अल्कली के साथ इसका रिएक्शन होगा. ठीक है जी, तो ये जरा चेक कीजिएगा कैसे रिएक्शन होगा इसका. SiO, मतलब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये रिएक्शन आपने ओ लेवल्स में कहाँ पढ़ा था? चले मैं चेक करता हूँ, आप लोगों को याद है कि नहीं, ओ लेवल्स में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है जी बताएं. सर एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मोनियम, नहीं भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन, एक्सट्रैक्शन आयरन, ऑफ यस सर, आयरन, जहां पर आप याद आया. जो इम्प्योरिटी होती थी ना, इम्प्योरिटी सैंड, उसको रिमूव करने के लिए SiO2 का रिएक्शन इससे करवाते थे, सिलिका से NaOH के साथ. तो बेटा देखो बड़ा आसान सा रिएक्शन है यहाँ पर. ये SiO2 एज एन एसिड है, ये एज अ बेस काम कर रहा है, बस इसको आप मिला दो सॉल्ट और वाटर बनेगा. तो आपने एक सॉल्ट बनाना है Na2SiO3, मतलब इसके दो मोल यूज होंगे ना, दो मोल Na2SiO3 और साथ में वाटर बनेगा. ये जी आप समझ लो ये बन रहा है, देखो ये Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, ये सोडियम सिलिकेट है. ठीक है, तो ये बेटा आपका रिएक्शन है, इसको आपने याद रखना है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्ट एज एन एसिड, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग सॉल्ट सोडियम सिलिकेट एंड वाटर. क्या सोडियम के सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा? HClH2SO4 से? नो रिएक्शन. क्यों नहीं करेगा? रीजन बताएं जी, क्यों रिएक्शन नहीं होगा? खुद खुद ही एसिडिक है भाई, खुद ही एसिडिक है, तो एसिड का रिएक्शन एसिड से तो नहीं होता ना, इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड असल में एसिडिक है, तो ये बेस से रिएक्शन करेगा. तो NaOH के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है. सोडियम सिलिकेट, इसका नाम याद रखिएगा सोडियम. ये वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा ये सॉल्ट, बताइएगा. सॉल्युबल होगा सर, फर्स्ट तो पहले क्या मैं निश्चित? कौन सॉल्ट जी है. जी बेटा, ग्रुप वन का सॉल्ट है तो वाटर सॉल्युबल होगा. तो ये देखिए कितने आसानी से हमने स्टेट सिंबल डाल लिए इसी बेस पर. जो वाटर सॉल्युबल होता है उसको एक्वस कर देते हैं, बस वाटर सॉल्युबल है एक्वस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड है और वाटर लिक्विड है. ठीक है जी, अब आ जाएं, अब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस ऑक्साइड P4O10. यहां पर भी बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल के साथ अटैच है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो अब जरा देखें इसका रिएक्शन, मैं लिखता हूं रिएक्शन ऑफ
P4O10 विद वाटर। बाकी बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, मैंने आपको याद करवा दिया कि दो हैं, याद कर लें, दो ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और उससे रिएक्शन नहीं करते, वो कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड। अच्छा हम ये क्या कहेंगे बेटा, अभी तक हमने जिनका वाटर से रिएक्शन करवाया है, हम क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं, ये बताएं। फर्स्ट रिएक्शन कर डिजोल्व रहे हुआ हैं, तो रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं, क्या रिएक्शन। प्रूफ है? आप किसी को कैसे बताएंगे जी कि ये रिएक्शन कर रहे हैं? वो कहेगा आपको कैसे पता है, तो इसका क्या तो आंसर ये देंगे? चेंज हो रही है, हाँ आप कहेंगे नई चीज बन रही है, आप कहेंगे नई प्रोडक्ट चीज बन बन रही रही है ना, शाबाश, एक नई चीज बन रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, एक नई चीज बनी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इट मींस कि ये रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ डिसॉल्व नहीं हुआ रिएक्शन भी किया है। अब हम बेटा करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है? तो P4O10 ये है जी आपके पास फास्फोरस ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, और इसको आप वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। वैसे गेस करें कौन सा एसिड बनना चाहिए, कोई ऐसा एसिड है जिसमें फास्फोरस आता है? फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड, शाबाश डाइऑक्साइड। शाबाश, फास्फोरिक एसिड, तो बनेगा H3PO4। पहले देखिए याद करो ना, कैसे मुझे पता चला जी एसिड बनेगा? ऐसे पता चला कि ये एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो डेफिनेटली अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड बनाएगा। अब H3PO4, चार फास्फोरस हैं, फास्फोरस हैं चार, तो यहां बनेगा 4 मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब देखो फास्फोरस बड़े आसानी से बैलेंस हो गए। अब आप अगर हाइड्रोजन्स देख लो, हाइड्रोजन्स कितने हो गए जी इधर? 12 सिक्स लगा दो वाटर के पीछे, तो ठीक ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो, इधर ऑक्सीजन है 16, तो यहां पर भी 16 है, 10 इधर और 6 वाटर के साथ। अच्छा ये बेटा एक विगरस रिएक्शन है, याद रखिएगा, दिस इज विगरस रिएक्शन, विगरस रिएक्शन है। इसमें अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा, अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो आपने बताना है कि फास्फोरिक एसिड डिसॉल्व हो गया, ये ऑब्जर्वेशन होगी या नहीं होगी बेटा कि फास्फोरस ऑक्साइड जो है वो डिसअपेयर हो गया, मतलब पहले डिसॉल्व हुआ है फिर उसने रिएक्शन कर दिया। और यहाँ पर ना, यहाँ पर बेटा पीएच भी याद रखना कि ये एसिड बना है ना, तो पीएच सॉल्यूशन की 2 हो जाएगी। तो मैं कुछ चीजें यहाँ लिखता हूँ कि P4O10 जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व, विगरस रिएक्शन है, विगरस रिएक्शन, और एट द एंड जो पीएच होगी वो आपकी 2 आ रही है। क्यों 2 आ रही है? क्योंकि एसिड बन रहा है, फास्फोरिक एसिड। अच्छा बेटा आगे चलते हैं जी, लास्ट है हमारे पास ऑक्साइड, फिर मैं आपको पास पेपर भी दिखाता हूँ इसके। लास्ट है हमारे पास ऑक्साइड सल्फर की ऑक्साइड जी, SO2 NSO3, बेटा ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये भी वाटर से रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ SO2 एंड सर, एसओ थ्री फॉस्फोरिक ऑक्साइड है ये, एग्जिस्ट तो अपने आयंस के फॉर्म में करेगा नहीं, फास्फोरस ऑक्साइड P4O10 तो बेटा कोवलेंट है, इसमें आयंस तो नहीं होते, सर, ये जो एसिड कोवलेंट है, बन एसिड रहा है, दुकान है। बिल्कुल डेफिनेटली आयंस के फॉर्म में होगा क्योंकि वाटर में है ना, वाटर में आयोनाइज हो जाएगा। अच्छा बेटा अब जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है ना, ये दोनों डिजोल्व भी होंगे और फिर रिएक्शन भी करेंगे और फॉर्मिंग द एसिडिक सोल्यूशन जिसकी pH 1 होगी। देखें जरा कैसे, SO2 वाटर से रिएक्शन कर रहा है, बताएं जी क्या बनेगा? सिर्फ ऐड करना है, एडिशन कर दें दोनों की, H2O+SO2 क्या बनेगा? सेल्फोन कैसे H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस है। अच्छा इसको सल्फ्यूरिक भी कह सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे ना तो आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, कौन बच्चा बताएगा? +4 है ना, यस सर। तो अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है ना तो आपको फिर ये लिखना होगा कि सल्फ्यूरिक 4 एसिड, मतलब आप बताएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड है लेकिन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है इसमें, ठीक है? अच्छा इसी तरीके से अगर आप SO3 लेते हैं बेटा, SO3+ वाटर, तो ये अब क्या बनाएगा भाई? H2SO4, अब तो इसका ओरिजिनल नाम ही सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या है? ये वैसे हम रिडॉक्स पढ़ेंगे तो आपको समझा दूंगा,
माइनस प्लस एट सिक्स प्लस वन प्लस टू और प्लस सिक्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये प्लस सिक्स वाला है, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट प्लस सिक्स है इसमें। तो अब बेटा आपको मैं कुछ स्लाइड्स पहले दिखाता हूं, ठीक है, और फिर हम रिएक्शन कुछ करते हैं आगे। ये लीजिए, बस हमारा थोड़ा सा रह गया बेटा, ये चैप्टर जो है ना सबसे सबसे लेंथी चैप्टर यही है, ठीक है इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं ये आसान है, मुश्किल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये जो यहाँ लिखी है आपको नजर आ रही है, देखें बेटा, देखिए यही किया ना अभी हमने, ऑक्साइड्स को यहाँ से, ये हमने ऑक्साइड्स जो है ना इनको चेक किया है कि ऑक्साइड्स जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दिस इज एम्फोटेरिक, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद बेटा हमने फास्फोरस ऑक्साइड को देखा, सल्फर के ऑक्साइड को देखा। ये जरा टेबल बेटा देखें, इस टेबल से एग्री करते हैं आप, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, फास्फोरस ऑक्साइड एसिडिक है, और एसओ टू एसओ थ्री एसिडिक है। अच्छा एग्जाम में क्या दिया होगा, ये जो नीचे वाला बेटा रो है ना ये खाली होगी, ये आपने लिखना होगा बेसिक और एम्फोटेरिक, ये आप लोग लिखेंगे। अब आज जरा पास पेपर क्वेश्चंस पर ये जरा पढ़ें। द एलिमेंट्स इन पीरियड थ्री ऑफ पीरियोडिक टेबल शो डिफरेंट बिहेवियर्स इन देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिस्क्राइब, बट यू वुड सी व्हेन सेपरेट सैंपल्स ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम का पहले तो रिएक्शन लिखना है आपने ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब सर व्हाइट सॉलिड, व्हाट यू वुड व्हाइट सी, व्हाइट फ्लेंकर व्हाइट सॉलिड है तो आप क्या बोल बताएंगे। देते हैं, अच्छा व्हाइट व्हाइट ये जो फ्लेंकर व्हाइट सॉलिड बताया, ये किस वजह से बताया कि MgO व्हाइट सॉलिड है, और ये भी बता सकते हैं भाई ब्राइट, व्हाइट फ्लेंकर। यस बेटा शाबाश, ब्राइट व्हाइट फ्लेम। इसी तरीके से अब अगर आप सल्फर को देखें तो सल्फर बेटा इसको ब्लू आपने बर्न फ्लेम करना है तो ये बनेगा SO2। ब्लू फ्लेम इस ब्लू यस फ्लेम इसमें इसमें भी बेटा दो ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हैं, एक तो है ब्लू फ्लेम, टॉक्सिक फ्यूम्स सर ऑफ व्हाइट सल्फर सॉलिड, डाइऑक्साइड। नहीं SO2 इज अ गैस भाई। इसमें बताए आप किस बेस पर, थोड़ा सा अगर आप सोचें कि क्लाउड जो भाई बने थे मिस मैं आपको बताता हूँ, ये जो के सल्फर है ना टॉक्सिक सल्फर, फ्यूम्स बने थे। नहीं नहीं बेटा ऑब्जर्वेशन में ना मैं आपको बताता हूँ सल्फर का कलर क्या होता है। व्हाइट नहीं होता है, नहीं येलो। नहीं, नहीं। ओ भाई सल्फर S8 येलो कलर का होता है, याद रखिएगा सल्फर का कलर क्या होता है, येलो। तो क्या जब आप सल्फर सॉलिड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या ये सॉलिड डिसअपेयर नहीं हो जाएगा, SO2 जब बनेगा गैस तो क्या ये सॉलिड डिसअपेयर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो येलो यस सॉलिड, येलो सॉलिड मतलब येलो सल्फर सर, डिसअपेयर, ये यस डिसअपेयर हो जाएगा। अच्छा ये भी वो अलाउ कर रहा है कि स्टीमी फ्यूम्स ये अलाउ कर रहा है, लेकिन ये इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं है बेटा इसको, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा, बस दो में से एक याद रखिएगा, ब्लू फ्लेम मैंने आपको बताई हुई है, येलो सॉलिड भी आप लिख सकते हैं कि सॉलिड डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है बेटा ये उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ द ऑक्साइड इन द थर्ड पीरियड वेरीज अक्रॉस द पीरियड। ये कह रहा है जी कि एसिडिक और बेसिक नेचर चेंज होता है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शुरू में क्या होते हैं बेसिक ऑक्साइड देन एम्फोटेरिक देन एसिडिक, डिस्क्राइब दिस बिहेवियर एंड एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। हाँ बेटा इस चीज को जरा समझिएगा, स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है और बॉन्डिंग से मुराद क्या होता है ये बताइएगा जरा, कोई बच्चा बता सकता है स्ट्रक्चर से क्या मुराद है बॉन्डिंग से क्या मुराद है। स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर लेटर मतलब और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से क्या मीन्स मुराद है, आयोनिक लेटिस साइंस हाँ स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल। नहीं 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 सुने 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 बड़ा, स्ट्रक्चर से आपने मुराद ये लेना है कि ये जाइंट है या सिंपल, इसमें से कोई एक वर्ड पिक करना है, ये होता है स्ट्रक्चर कि ये जाइंट स्ट्रक्चर है या सिंपल है, और बॉन्डिंग से मुराद है कि इसमें आयोनिक बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है, कौन सी बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले याद रखो बेटा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स उनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको फिर बता देता हूं, जॉइंट स्ट्रक्चर मींस कि उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं ये बेटा सेपरेट हुए हैं, मतलब ये अगर मैं आपको
आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, तो आप देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर में एक रेगुलर पैटर्न होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, और उसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस काउंट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं आपको गूगल पे चले दिखा देता हूं बेटा, यहां पर आयोनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर ये देखिएगा, पर ये आप पहला स्ट्रक्चर ही देख लो, ये वाला जो आपको आयोनिक कंपाउंड जिसमें ग्रीन और पर्पल कलर के आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा है। क्या आप इसमें काउंट कर सकते हैं कितने पार्टिकल्स हैं बेटा, काउंट कर सकते हैं? नो सर, तो याद रखें जितने ही बेटा आपके पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आप काउंट ही नहीं कर सकते भाई, और फिक्स ही नहीं होते ना। अगर आपने एक छोटे साइज का क्यूब लिया है, एक बड़े साइज का क्यूब लिया है, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे? नहीं। इसके मुकाबले में अगर आप सिंपल मॉलिक्यूल को देखें ना, जिस तरह वाटर है, वाटर में कितने एटम है बताएं जरा, टोटल एटम्स कितने हैं वाटर में? तीन। तीन। अच्छा ग्लूकोज है C6H12O6, टोटल एटम्स काउंट कर सकते हो ना कितने हैं, 6 + 12 + 6 = 24 एटम्स हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में याद रखो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स इन सब के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जॉइंट, इनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, आप इनके अंदर तादाद बता ही नहीं सकते। और इसी तरह कुछ कोवलेंट भी हैं, जिस तरह डायमंड और सिलिका, लेकिन ये याद कर लो अभी कोवलेंट और मेटल्स के जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। तो बताओ जी अब यहाँ पर क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है कि Na2O, आपने Na2O में बतानी है बॉन्डिंग क्या है। Na2O इज आयोनिक, Na2 आयोनिक है, जॉइंट एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर ऑक्साइड इज आयोनिक, और SO3 के बारे में क्या ख्याल है बेटा, SO3 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर कोवेलेंट अच्छा कर एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी सकते जी बच्चों को, वो जरा सुन ले। आप लोग में से कुछ बच्चे के सोच रहे होंगे, वो कहेंगे सर ये तो हम Na2O में भी काउंट कर सकते हैं कि Na2O में तीन एटम्स हैं, दो सोडियम और एक ऑक्सीजन, इस तरह का बच्चा हैं। सोच रहा है बेटा, ये कोई बच्चा सोच रहा है इस तरह कि Na2O में तो नहीं आप सर, नंबर ऑफ। अब इसका आंसर ये है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होते, ये रेशियो होती है। जैसे NaCl है, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा जो आपको मैंने अभी गूगल पे दिखाया है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है। लेकिन सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं NaCl, क्या एक एक सोडियम को हमने काउंट किया इसमें? क्या एक एक सोडियम को हमने काउंट किया बेटा इसमें कि कितने सोडियम है? नहीं, आपने रेशियो निकाल लिया कि सोडियम और क्लोराइड में रेशियो क्या है, 1:1 रेशियो है, तो आपने फॉर्मूला NaCl कह दिया। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आपको आयोनिक कंपाउंड दिख रहे हैं ना, Na2O, Al2O3, याद रखें ये आयोनिक है और इनके जॉइंट स्ट्रक्चर हैं। तो Na2O, Al2O3, इनके ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें आयोनिक बॉन्डिंग है, और इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे बेटा, जॉइंट स्ट्रक्चर्स होंगे। इसके मुकाबले में अब आ जाएं आप SO3 पर, बड़ा SO3 के बारे में क्या कहते हैं, दोनों ही नॉन मेटल एटम्स हैं, नॉन मेटल, दोनों कोवलेंट नॉन मेटल्स हैं, सल्फर भी ऑक्सीजन भी, तो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है भाई? कोवलेंट कोवलेंट सर। कोवलेंट इसमें एक तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इसमें है कोवलेंट, और दूसरी बात ये सिंपल होगा, जॉइंट होगा, दिस इज सिंपल, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप काउंट कर सकते हैं। देखो ना ये आगे सेपरेट तो हो नहीं रहा, ये देखो SO3 ऐसे है, ये आगे तक सेपरेट तो नहीं हो रहा ना, तो इसलिए ये आपका बेटा ये आंसर होगा इस तरीके से। अब आगे वो ये कह रहा है, ये हम कर चुके हैं इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है, कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ दीज थ्री ऑक्साइड विद HCl, कि Na2O का रिएक्शन, Al2O3 का रिएक्शन। अच्छा मैं इसको जरा रब कर लूं एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ लें। राइट इक्वेशंस फॉर रिएक्शन ऑफ दीज थ्री ऑक्साइड विद HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जी ये Na2O है, ये Al2O3 है और ये SO3 है। नेचर आप बताएं Na2O की नेचर क्या है बेटा, बेसिक बेसिक है ना, तो इट विल रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा जरा गेस करें क्या बनेगा? एनएसपीआर
एनएसीएल और वाटर, ठीक एनएसीएल और वाटर। अच्छा एल टू ओ थ्री की नेचर क्या है बेटा? है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक है। तो ये मैंने दोनों के आपको इसके साथ दोनों होता रिएक्शन है। करवाए हैं ना, तो आप वो दोनों रिएक्शन लिख सकते हो। और एसओ थ्री की नेचर क्या है बेटा? एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक है, तो आप बेटा इसका एनएओएच से रिएक्शन करवा दो। क्या होगा वैसे बताएं जी? एनएओएच इज अ बेस, सॉल्ट और वाटर बनाना है आपने, चलें अब खुद सोडियम बनाए ना था सल्फेट, जी। बेटा देखो एसओ थ्री है और एनएओएच के साथ रिएक्शन करवाना है। अगर आप 2 मोल ले लो ना, तो आपको समझ आ जाएगी फौरन कि आपने Na2SO4 बनाना है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर बनाना। Na2SO4 और वाटर बनाए जी बेटा। सर स्ट्रक्चर को देख के याद आ रहा है, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जाइंट एक ही बात है बेटा। लेकिन ओके सर, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना, ये हम टर्म यूज करते हैं सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, कि वो कोवलेंट कंपाउंड्स जो जाइंट बना रहे हैं ना, जिस तरह डायमंड जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है, सिलिका जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको आप मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। अच्छा बेटा जरा इसकी ये देखे ना, आंसर जरा देख लें इसका सर जी बेटा। सर वो SO3 और NaOH की रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड भी बन सकता है? सोडियम सोडियम, बड़े सल्फाइड, सर सोडियम सल्फाइड बनाने के लिए ना आपको एक्स्ट्रा कंडीशन देनी पड़ती है, सोडियम सल्फेट बनेगा, सल्फाइड नहीं बनेगा। ये देखिए नीचे रिएक्शन लिखे, मैं ठीक है इसलिए सर। आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये जरा देख लें। ये देखें जरा इधर पे, आपने ये बताना है कि Al2O3 का जाइंट स्ट्रक्चर है, जाइंट स्ट्रक्चर आयोनिक, SiO3 सिंपल और कोवलेंट। अच्छा ये देखें, ये सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब ये देखें जो एम्फोटेरिक था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के, कितने ज्यादा ऑप्शन है। मैंने आपको जो करवाया याद, ये करवाया बेटा, ये वाला, ये मैंने आपको याद करवाया, Al2O3 + 2NaOH, 2NaAlO2 + water। और SO3 क्योंकि ये बेटा एसिडिक ऑक्साइड है, तो इट रिएक्ट्स विद एल्कली, आप Na2SO4 भी बना सकते हैं और NaHSO4 भी बना सकते हैं। अच्छा बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये देखें इसमें ये कह रहा है कि गिव द फॉर्मूला, बेटा ये क्वेश्चन देखें, द एलिमेंट्स इन द पीरियड 3 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फोरस एंड सल्फर ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन हीटेड इन एयर, गिव द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म व्हेन ईच एलिमेंट इज हीटेड इन एयर, वन हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसने हमारे लिए कंप्लीट कर लिया, सोडियम ऑक्साइड क्या बनेगा बोले? Na2O, Na2O Na2O, ठीक है। अच्छा MgO और फास्फोरस का क्या बनेगा? P4O10। होता सल्फर का आप SO2 भी लिख सकते हो, आप SO3 भी लिख सकते हो। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन सोडियम एंड सल्फर ईच हीटेड सेपरेटली इन एयर एंड गिव एन इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। बताएंगे सोडियम को जब आप बर्न करेंगे इन ऑक्सीजन, रिएक्शन तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, मुझे बता दें ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई? व्हाइट फ्लेम, येलो ब्राइट फ्लेम, लाइट, येलो फ्लेम, जी ब्राइट बेटा व्हाइट फ्लेम, ब्राइट येलो, ब्राइट ठीक येलो है फ्लेम, जी और बेटा। व्हाइट सॉलिड आप सोडियम इसमें बताएंगे ऑक्साइड। कि येलो फ्लेम या ब्राइट येलो फ्लेम और व्हाइट सॉलिड, एक ऑब्जर्वेशन भी बतानी है, ब्राइट येलो फ्लेम और या व्हाइट सॉलिड बता दे। अच्छा व्हाइट सॉलिड हर एक ऑक्साइड में बनेगा। सल्फर को जब आप बर्न करेंगे बेटा, ये भी डिस्कस हो चुका है, ब्लू ब्लू फ्लेम फ्लेम, बनेगा, ठीक है, या येलो सॉलिड डिसअपेयर हो जाएगा। एक मिनट बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी तो छोड़ू ना बेटा, सारे मैं अगर कर दूंगा, क्लोरीन वाला रह गया, कल एक बच्चा पूछ रहा था ना बेटा कि सर आपने सोडियम का वाटर से रिएक्शन करवाया, मैग्नीशियम का नहीं करवाया, तो ये मैग्नीशियम का मैं भी आगे आपको कराऊंगा, ठीक है, आज नहीं करेंगे। ये देखिए ये आया हुआ है इसमें, और ये भी आगे पास पेपर्स हैं।
अच्छा बेटा, आज थोड़ा सा ना हम आगे कर लेते हैं काम, क्योंकि सिर्फ एक क्लास इसकी रह जाएगी, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये आ जाएं इस पर, रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद क्लोरीन। हेडिंग दे दे बेटा, रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद क्लोरीन। अच्छा, सबसे पहले जी देखें, अभी तक आपने जो पीरियड थ्री एलिमेंट्स है, एक मिनट जरा रुकें और मेरी बात सुने। पीरियड थ्री एलिमेंट्स जो आपने किए थे, उसमें पहला रिएक्शन आपने किसके साथ पढ़ा है, जरा बताइएगा दोबारा, ताकि आपको याद रहे ना। आपने पहला जो रिएक्शन है हमने पीरियड थ्री एलिमेंट्स का किसके साथ पढ़ा था, जल्दी से सोडियम बताएंगे। ऑक्सीजन सोडियम? नहीं भाई, पीरियड थ्री एलिमेंट्स का रिएक्शन हमने क्या ऑक्सीजन के साथ नहीं पढ़ा पहले? ऑक्सीजन यस सर। हाँ, तो इस तरह ये बातें याद रखे ना कि अभी तक हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहला जो हमने पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट विद ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बने थे बताएं? ऑक्साइड्स बने थे ना, क्या बने थे? सोडियम ऑक्साइड यस एंड सर। हाइड्रोजन। बस ठीक है, ऑक्साइड्स बने थे भाई, ऑक्साइड। सिर्फ सोडियम का तो नहीं किया ना हमने, पूरे पीरियड थ्री एलिमेंट्स का किया, तो ऑक्साइड्स बने थे। फिर दूसरा टॉपिक हमारा क्या था कि हमने उन ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन की, कि कुछ ऑक्साइड एसिडिक हैं, कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, कुछ ऑक्साइड्स बेसिक हैं और कुछ एसिडिक हैं, है ना? ये बात होगी या नहीं होगी? यस सर। अब हम तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो सुन लें भाई। वाटर का मैंने इसलिए मेंशन नहीं कर रहा, क्या मैंने पीरियड थ्री एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स का रिएक्शन वाटर से आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया अभी? नो सर, सोडियम नो सर, ऑक्साइड वो नहीं करवाया है ना, पढ़ा तो इसलिए बेटा उसको स्किप कर देना। एक दो बच्चे वाटर का कह रहे हैं, वो तो अभी हमने सारा तो नहीं पढ़ा ना वाटर के साथ, तो इसलिए अभी तक हमने जो पीरियड थ्री एलिमेंट्स के रिएक्शन पढ़े हैं, पीरियड थ्री एलिमेंट्स के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़े हैं, तो ऑक्साइड्स बने थे। फिर उसके बाद हमने ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, कुछ बेसिक, कुछ एम्फोटेरिक। अब हम तीसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा बताएं, हेडिंग क्या है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के हाँ, साथ रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ बेटा, पीरियड थ्री एलिमेंट्स का रिएक्शन क्लोरीन के साथ अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लो, सोडियम, सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ NaCl बन रहा है। ऊपर जरा पढ़ लेते हैं कि व्हेन सोडियम मेटल इज हीटेड, देन व्हेन सोडियम मेटल इज हीटेड देन प्लंज इनटू अ गैस जार ऑफ क्लोरीन, देयर इज अ विगरस रिएक्शन फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड। बट ये रिएक्शन हमने स्कूल में बच्चों को करवाया हुआ है, आपको हम बताते हैं कैसे। जो बच्चे ओ लेवल्स में होते थे उस टाइम, हमने तकरीबन आज से कोई 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम हमने NaCl बच्चों से बनवाया था। कैसे? इस तरह बनाया था कि हमने पहले जो लैब टीचर थे उनको हमने कहा कि आप हमें क्लोरीन गैस बनाकर दें, तो उन लैब वाले टीचर ने हमें क्लोरीन गैस बनाकर दी और हमने क्लोरीन गैस को फिल कर लिया इन गैस जार के अंदर। वो ग्रीनिश येलो कलर की ना, इसमें क्लोरीन गैस थी बेटा, ऐसे ये क्लोरीन गैस इसके अंदर आपको हल्का सा शेड नजर आ रहा होता है। फिर आप पता है क्या करते हैं, इस लिड को हटाते हैं और इस तरह का एक बेटा आपके पास जो है ना, इसको आप कहते हैं स्पैचुला टाइप एक चीज है, उसके ऊपर आप सोडियम रखते हैं, हॉट सोडियम, हॉट सोडियम होगा, और उस सोडियम को आप इस लिड के अंदर कर देते हैं। तो जैसे ही सोडियम क्लोरीन के साथ बेटा इंटरेक्ट करता है, तो इसका रिएक्शन होता है और एक विगरस रिएक्शन होता है। अंदर आप देखेंगे बिल्कुल येलो हो जाएगा, ब्राइट येलो, सारा ये ब्राइट येलो हो जाएगा, इस तरह लगेगा कि इसके अंदर आग लगी हुई है। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपको व्हाइट सॉलिड इस गैस जार में नीचे बना हुआ दिखाई देगा। तो यही वो कह रहा है कि व्हेन सोडियम मेटल इज हीटेड, पहले सोडियम मेटल को हीट करना है, देन प्लंज इन गैस जार ऑफ क्लोरीन, देयर इज अ विगरस रिएक्शन फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड। कौन बच्चा मुझे इसकी ऑब्जर्वेशन बताएगा? येलो ग्रीन गैस अगर इसकी एक नोट करें, मुझे डिसअपीयर्स ऑब्जर्वेशन बताए ना क्या होगी इसकी। सर, येलो ग्रीन गैस डिसअपीयर्स। शाबाश, व्हाइट बिल्कुल ठीक सॉलिड बताया भाई। दो ऑब्जर्वेशंस हैं, शाबाश, ये भी ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन, जो क्लोरीन गैस है ना, इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। बट आप ये सोचा करो कि जब रिएक्शन हुआ तो क्लोरीन गैस ने रिएक्ट किया है ना, तो ग्लोरी तो ये जो क्लोरीन गैस है ये तो यूज हो गई है, तो क्लोरीन गैस जब यूज होगी तो ग्रीनिश येलो कलर डिसअपेयर हो जाएगा। ग्रीनिश येलो कलर क्या हो जाएगा? डिसअपेयर। तो पहली चीज कि ग्रीनिश येलो कलर डिसअपेयर, ये आप लिखोगे बेटा।
ग्रीनिश येलो कलर डिसअपेयर। दूसरा देखो NaCl बन रहा है, तो लिखो इसके नीचे अपने अपने नोट्स में, ये मैं भी रब कर दूंगा, आपको नोट्स में लिखना होगा, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। NaCl बन रहा है ना, तो व्हाइट सॉलिड। और तीसरा फिर विगरेस रिएक्शन भी लिख दो कि विगरेस रिएक्शन हुआ है भाई, ठीक है। अच्छा, ये व्हाइट सॉलिड हर एक में बनेगा, तो मजे की बात ये है कि व्हाइट सॉलिड हर एक में बनेगा। सर, सोडियम डिसअपीयर भी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है बेटा, सोडियम भी डिसअपेयर हो जाएगा, लेकिन वो आप ना लिखें, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है ना, मतलब सोडियम आपका होता है ग्रे कलर का सॉलिड, ग्रे सॉलिड होता है, और सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर का बन रहा है, तो आप अगर और कोई ऑब्जर्वेशन ना जेन में आ रही हो, तो आप फिर ये भी लिख सकते हैं कि सोडियम डिसअपेयर, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप कलर की बेस पर बताएं कि कौन सा कलर डिसअपेयर हो गया है, जो क्लोरीन गैस है वो डिसअपेयर हो गई है, व्हाइट सॉलिड बना है, विगरेस रिएक्शन हुआ है, पर मैग्नीशियम। गैस जार के अंदर फ्लैश होगा तो हमें दिखेगा कैसे कि वो डिसअपीयर होगा? बेटा ये ग्लास का है ना, तो आपको नजर आ रहा होगा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक सर, है, मैग्नीशियम ग्रे ट्रांसपेरेंट है होता था कि सोडियम ग्रे होता था? बेटा। मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम का जो कलर है वो सिल्वर होता है ना, सिल्वर से मिलता जुलता है, सिल्वर ठीक है, ग्रे? सोडियम थोड़ा सा ग्रेश होता है, मैग्नीशियम जो है ना ये थोड़ा सा सिल्वर कलर का होता है, देखिए मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ, मैग्नीशियम इस तरह का है बेटा, थोड़ा सा उसमें सिल्वर का कलर आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट जरा देख लें, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बोथ रिएक्ट विगरेसली विथ क्लोरीन गैस। बट यहाँ पर सेम ऑब्जर्वेशन होगी, ग्रीनिश येलो गैस जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी, व्हाइट सॉलिड बनेगा, और Al2Cl6 सॉलिड। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जब आप इसमें रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो MgCl2 व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो Al2Cl6 व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म। बेटा जल्दी से कोई बच्चा मुझे दोनों की ऑब्जर्वेशन बता दे, दो दो ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, तीन ऑब्जर्वेशन बताएं, तीन ऑब्जर्वेशन। ग्रीनिश येलो कलर डिसअपीयर, येलोइश व्हाइट कलर ग्रास फॉर्म। डिसअपीयर्स, पहली बात सर, जो क्लोरीन गैस है ये डिसअपीयर हो जाएगी, दूसरी ऑब्जर्वेशन बताएं, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, व्हाइट सॉलिड बनेगा, और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये भी विगरेस रिएक्शन है, रिग्रेस तो रिएक्शन। सेम ऑब्जर्वेशन होगी, जो ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन मिली है वही पर वही ऑब्जर्वेशन नीचे भी होगी। पर आप देखिए, आपको ना एक ट्रेंड नजर आएगा, जब हम सिलिकॉन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कर रहे थे, स्लो रिएक्शन था, फास्ट था, स्लो तो यहां पर भी स्लो है, सिलिकॉन का क्लोरीन से स्लो रिएक्शन है, ये देख सकते हैं, सिलिकॉन रिएक्ट स्लोली विथ क्लोरीन, लेकिन यहां पर लिक्विड बनता है, ये एक ऑब्जर्वेशन है बेटा। यहां पर आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन डिसअपेयर, सिलिकॉन सॉलिड डिसअपेयर हो जाएगा और लिक्विड बनेगा, तो ये बेटा जरा रिएक्शन देख लो, यहां पर एक तो ये स्लो रिएक्शन है, इसकी ऑब्जर्वेशन देखो, स्लो रिएक्शन, क्लोरीन गैस, ग्रीनिश गैस डिसअपेयर। सर, जी बेटा ये Mg और Al की ऑब्जर्वेशन के ऊपर सोडियम वाली होगी? बिल्कुल वही होगी, देख लो ना, ग्रीनिश गैस डिसअपेयर, सिलिकॉन सॉलिड भी डिसअपेयर हो जाएगा, सिलिकॉन डिसअपेयर हो जाएगा क्योंकि सॉलिड है ना डिसअपेयर, और बेटा ये लिक्विड है, SiCl4 की स्टेट याद रखिएगा, SiCl4 इज लिक्विड बेटा, SiCl4 इज लिक्विड। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अब सिलिकॉन भी स्लोली रिएक्शन कर रहे हैं और फास्फोरस भी बेटा, ये चीजें हैं जो आपको याद करनी है और ये आपको काफी तंग करेंगे बेटा, इसलिए इसके नोट्स आप लोगों को बड़े जबरदस्त से बनाने हैं, ये भी स्लो रिएक्शन कर रहे हैं, फास्फोरस ऑल्सो रिएक्ट स्लोली विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, और अगेन यहां पर आप बताएंगे कि ग्रीनिश येलो कलर की जो गैस है वो डिसअपेयर हो जाएगी, फास्फोरस भी डिसअपेयर हो जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन जब बतानी हो ना बेटा, जब ऑब्जर्वेशन बतानी, तो एक तो आप देख
ये बात बड़े गौर से सुने, जब आपने ऑब्जर्वेशन बतानी हो तो एक तो आप देखा करें रिएक्शन विग्रेस है या नहीं, दूसरा आप देखा करें कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो डिसअपेयर हो रहे हैं, उनमें कोई चेंजिंग आ रही है, तो यस क्लोरीन गैस डिसअपेयर हो रही है, फॉस्फोरस सॉलिड डिसअपेयर हो रहा है, फॉस्फोरस जो सॉलिड है वो भी डिसअपेयर हो रहा है। सल्फर डज फॉर्म क्लोराइड HCl2 एंड H2Cl2, बट यू डू नॉट नीड टू कवर दिस फॉर योर एग्जामिनेशन, आर्गन डज नॉट फॉर्म क्लोराइड। बेटा यहां तक आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आपको यहां तक आना चाहिए बेटा, ठीक हो गया भाई? तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़।